ज्यों ज्यों लोकसभा चुनावों के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, सभी प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार अभियान भी तेज कर दिया है और वोटरों को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अटोहा गांव के सरपंच नरवीर चौहान ने इनेलो प्रत्याशी महेंद्र चौहान को चांदी का मुकुट भेंट कर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर फरीदाबाद के इनेलो जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौटान, महिला नेता सत्या चौधरी सहित पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। इस मौके पर इनेलो प्रत्याशी महेंद्र चौहान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जिस प्रकार का भरपूर समर्थन मिल रहा है, गांवों में लोगों ने आश्वासन दिया है कि वे स्वयं को इनेलो उम्मीदवार समझकर चुनाव प्रचार करेंगे व वोट डलवाएंगे, उससे उनकी जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि आपके आशीर्वाद से इनेलो की टिकट मिली है, क्योंकि वो आपके बीच ही रहते हैं, जबकि दूसरे प्रत्याशी फरीदाबाद से जुड़े हैं, जबकि मैं अकेला प्रत्याशी हूं जो पलवल जिले से जुड़ा हूं। 24 घंटे आपके बीच उपलब्ध रहता हूं, मुझसे मिलने के लिए किसी को दलाल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि कृष्णपाल गुर्जर, अवतार सिंह भड़ाना जैसे नेता फरीदाबाद में भी आप लोगों से नहीं मिलेंगे, उनसे मिलने के लिए भी किसी दलाल को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मोदी को वोट देने का कोई कारण नहीं है, उन्होंने बेरोजगारी दी है, सारे वादे फेल हो चुके हैं। चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए सम्मान रूपी पेंशन शुरू की थी, सरकार आने पर 100 रुपए रोज दी जाएगी। बहुत अच्छा चल रहा है, सभी संप्रदायों का, सभी बिरादरियों का, सभी वर्गों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। मुद्दे ये हैं कि बीजेपी 5 साल शासन भोग चुकी है, वो अपने सारे उसके चुनावी वादे फेल, एक भी चुनावी वादा उसका पूरा नहीं हुआ, और हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। ताऊ देवीलाल जी के सामने से ही पहले से ही अभी पेंशन सबको दी 100 रुपये महीने के हिसाब से, आज वो 2000 रुपये महीने मिल रही है, और हमारी पार्टी की ये घोषणा हो चुकी है कि वो पेंशन हम 100 रुपये रोजाना के हिसाब से 3000 रुपये महीने के हिसाब से देंगे। मुकाबला कौन सी पार्टी से लग रहा है? हम मुकाबले में चाहे कृष्णपाल हो या बढ़ाना हो, उनमें से दोनों में हो सकता कोई, लोगों को तकलीफ नहीं, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। सबसे बड़ी तो बेरोजगारी की तकलीफ, बच्चे बेरोजगार हो चुके हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चे ही बेरोजगार हो जाएंगे तो आगे ही हमारा देश प्रदेश कैसे चल पाएगा, बड़ा मुश्किल है। भाजपा वाले कह रहे हैं सीधी वोट मिल रही है मोदी जी को, सब दे रहे हैं। नहीं, वो कोई कारण तो होगा मोदी जी को वोट देने का। राष्ट्रवाद में चुनाव लड़ रहे हैं, वो सारे वादे फेल तो हो चुके, मैं पहले कह चुका, उसका एक भी वादा अगर पूरा हो तो बताओ। अवतार सिंह भड़ाना 8 तारीख को यहाँ इस दौरे पर आ रहे हैं जी, क्या आप मानते कि अब तक वो इस यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए हैं जी? क्या वजह हो सकती है उनकी पलवल के लिए? जिस समय विधानसभा का चुनाव था उस समय अवतार भड़ाना जी हमारे साथ थे और कहा करते थे कि मैं तो तब देवीलाल के एहसान उतारने आया हूँ, उसके 2 महीने बाद वो बीजेपी में भाग गए, बीजेपी से विधायक बन चुके, अब वहाँ से छोड़ करके वो कांग्रेस में आ चुके, अब क्या विश्वास कर सकती है जनता? तो जनता को धोखा देने वाली बात है। तो कृष्णपाल गुर्जर जब इलाके में आते हैं तो उनका कुछ गांवों में विरोध होता है, उनके विरोध के कारण क्या हो सकते हैं? विरोध के कारण ये है, वो जनता में, उन्होंने जनता के बारे में ना सोचा है, एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसके बारे में कृष्णपाल जी ने सोचा, बनने के बाद सिर्फ अपना ही घर भरा है, उसके बाद जनता के बारे में सोच नहीं है उनकी। क्या कुछ करना चाहते हैं फरीदाबाद में लोकसभा क्षेत्र में? एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए यहाँ पे, एक बहुत बड़ा एम्स जैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए बच्चों के लिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ये जो जमुना और गंगा का जो पानी आ रहा है इस पर प्रकाश डालना चाहिए, बहुत जानी कैंसर जैसी बीमारी भयावह हो रही है, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। मैं तो आपसे ये कहती हूँ, अगर आप बीमार हो जाते हो तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो ना? तो अगर हमारा कोई दुख दर्द समझ सकता है, कोई हमारी परेशानियों को समझ सकता है, तो वो सिर्फ इनेलो पार्टी ऐसी है जो किसानों का हितैषी है, किसानों का हित कर सकती है, इसीलिए उन्होंने हमारे बीच हमारे किसान, हमारे भाई अपने को उतारा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ,
कि चल भैया हमारे साथ चल, हमें शादी में इन्विटेशन देना है या हमें अपने दुख दर्द में बुलाना है, आप अकेले नहीं जा सकते। अब की बार आपके पास ऐसा मौका आया है, आपके भाई हैं, आप रात को 12 बजे जाकर जगा सकते हो, प्यार से कह सकते हो, लड़के कह सकते हो, झगड़ के कह सकते हो, क्योंकि वो आपके बीच का है, आप जैसा है, आपका भाई है, आपका अपना है। तो पहचान है अपने पराए की, पहचान करने की वक्त है ये। मैं तो आपसे इतना कहना चाहूंगी बस, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमारे बीच में हमारे भाई को उतार कर हमारे ऊपर एक किस्म से एक एहसान किया है, आज तक किसी ने नहीं सोचा। पलवल से यहाँ तक आज तक किसी को टिकट नहीं दी।